हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल बाबा जी में। मैं हूं आप सभी का दोस्त सुधांश, और आज हम लोग बात करेंगे, फिर से वही टॉपिक है आज का जो व्हाट्सएप बैन हो रहा है, इन सब टॉपिक पे। एक मैं मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए थे कि मेरा व्हाट्सएप में मतलब अनबैन हो गया, फिर से मैंने जीबी व्हाट्सएप यूज किया, फिर से मेरा बैन हो गया। तो इन सब टॉपिक पे बात करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या क्या कारण है आपके व्हाट्सएप के बैन होने के, क्या क्या चांसेस रहते हैं आगे भी आपके व्हाट्सएप के बैन होने के, क्या आप ऐसा क्या आप नहीं करो, क्या करना आप बंद कर दो मतलब कि आपका व्हाट्सएप सही हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल टेक्निकल बाबा जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई चांस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। लाल बटन दबा दीजिए, लाल बटन नीचे दिख रहा होगा आपको साइड में, और उसके बगल में घंटा जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अगले अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आईडी नीचे डिस्प्ले हो रही है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये कुछ लिस्ट है हमारे पास, अभी लिस्ट पढ़ के बताऊंगा इसमें क्या है ये भी बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक महानुभाव है जिनका वीडियो मैंने कल देखा था। कल मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे, वीडियो उन्होंने बना रखा है कि वीपीएन की यूज से, वीपीएन की मदद से आप अपना व्हाट्सएप अनबैन करें। बेटा ये बताओ वीपीएन से व्हाट्सएप का क्या कहना, वीपीएन है क्या यार, पहले ये जान दो वीपीएन काम क्या करता है। वीपीएन आपके आईपी चेंज कर देता है, आपका सर्वर दूसरे कंट्री से कनेक्ट करता है, बस यही काम है उसका। उससे आपको वो ऐसे वेबसाइट आप देख सकते हो वीपीएन की मदद से जो आपके यहाँ बैन है। चले जाया तो भी भाई, हाँ चलो ठीक, बोल रहे हैं ऐसे वेबसाइट आप वीपीएन की मदद से देख सकते हो जो आपकी कंट्री में बैन है। इससे वीपीएन आपकी आईपी चेंज कर देता है, आपकी कंट्री की लोकेशन चेंज कर देता है, इससे आसानी से आप देख सकते हो वीपीएन की मदद से। बट वीपीएन से व्हाट्सएप के क्या कनेक्शन भाई, ये बताओ हमको यार, अजीब है मतलब कुछ नहीं बोलो। अच्छा सुनिए, अब आपका व्हाट्सएप बैन क्यों हो रहा है, फिर अगर अनबैन हो जा रहा है, फिर से बैन हो जा रहा है, टेम्प्रोरी अगर बैन हो रहा है, परमानेंट बैन हो रहा है, तो एक ही उपाय है भाई, अपना फोन नंबर चेंज कर दीजिए। और क्या कारण है कि फिर से टेम्प्रोरी बंद हो रहा है, तो कुछ लिस्ट है मेरे पास, पढ़ के बताता हूँ। ये व्हाट्सएप की प्रजातियां हैं, ये व्हाट्सएप की प्रजातियां हैं, मतलब ये व्हाट्सएप ये दावा करते कि मेरा नहीं है, और ये किसका है उन्हें भी नहीं पता, बहुत लोगों को पता ही नहीं कि ये व्हाट्सएप को खुद नहीं पता कि ये कहां से है, ये कौन है। अब नाम सुनिए, जीबी व्हाट्सएप, अबे दिख जा, यो व्हाट्सएप, व्हाट्सएप प्लस, एफएम व्हाट्सएप, वोजी व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ट्रांसपेरेंट, जीबी व्हाट्सएप ट्रांसपेरेंट, व्हाट्सएप लाइट, व्हाट्सएप सॉरी जियो लेटोरी, जीबी व्हाट्सएप मिनी, जीबी व्हाट्सएप मिनी, व्हाट्सएप ब्लैक, व्हाट्सएप गोल्ड, या धागना ढिमाका हटा है, बहुत हो गया। मतलब ये सब व्हाट्सएप की प्रजातियां हैं जो आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेंगी, ठीक ना। अगर इन सब में से अगर जितने भी नाम मैंने बोले ना, अगर कोई भी आप यूज कर रहे हो ना फिर से दोबारा अपने फोन में, तो कसम से बता रहा हूं आपका व्हाट्सएप अनबैन नहीं होगा, चाहे तुम अपना सर फोड़ दो यार। तो कहा मिलता है इसमें, मतलब बता यार मुझे जीबी व्हाट्सएप बहुत पसंद है, मुझे व्हाट्सएप जीबी वापे भाई, मेरे व्हाट्सएप वो है ही नहीं, वो मॉड एपीके है जो आपको पहली बार तो प्ले स्टोर में मिलती नहीं है, आप किसी से सेरेट से ले लेते हो या फिर मॉड एपीके गूगल पे सर्च करो यार, भतेड़े भरे पड़े हैं यार, वहां से डाउनलोड कर लेते हो आप, यूज करते हो क्या मिलता है। व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप चिल्ला चिल्ला के कहता है मेरे पास दो ही व्हाट्सएप है, एक व्हाट्सएप जो आपको, दो व्हाट्सएप आपको प्ले स्टोर में मिलती होगी, एक व्हाट्सएप, एक व्हाट्सएप बिजनेस। व्हाट्सएप बिजनेस का काम है, कोई अगर छोटा सा बिजनेसमैन है तो अपना कंपनी का वो एक इमेज बना सकता है, उस पर वेबसाइट वेबसाइट देख सकता है, प्रेजेंटेशन मतलब सामने वाले को दिखाने के लिए। तो व्हाट्सएप बिजनेस है, विश्वास ना हो तो खोल के देख लेना व्हाट्सएप बिजनेस और एक प्लेन व्हाट्सएप, दूसरा कोई व्हाट्सएप मिल जाए तो बताना, कोई व्हाट्सएप नहीं मिलेगा भाई। मेरे पास एक मेल आ रहा है, सॉरी मैसेज आया कि भाई मैंने मेरा व्हाट्सएप बंद हो गया, बैन हो गया टेम्प्रोरी, मैंने बताया उसको कि अनबैन कर लो, ये ट्रिक बता दी, उसका अनबैन हो गया। फिर दो तीन दिन बाद मेरे को मैसेज आया भाई फिर से बैन हो गया, मैंने क्या किया, मैंने जीबी व्हाट्सएप यूज किया था उसी फोन में दूसरे नंबर से, मतलब भाई चैन नहीं है, क्या मिलता है जीबी व्हाट्सएप में, ट्रांसपेरेंट सॉरी वो ट्रांसपेरेंट कर लेते कुछ लोग व्हाट्सएप, ये देखो मैंने पीछे फोटो लगाई उससे क्या मिलता है, कुछ मिला नहीं ना, आपका फोन बैन हो गया है। तो ये सब मत करो, अब ये व्हाट्सएप ये जीबी घंटा वंटा कहाँ से आए, ये यार मतलब यार बनते गए यार। हुआ ये इन्होंने व्हाट्सएप के सर्वर के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करके अपनी अलग है, व्हाट्सएप वाले खुद डंडा लेके पीछे पड़े हैं, है कौन मिल तो जाए, पहले मिल ही नहीं रहे, और आप आसानी से उनके ऐप धुड़ल्ले से डाउनलोड किए जा रहे हो, यूज किए जा रहे हो। तो भाई ये सब जब तक यूज करते रहोगे आप लोग, जब तक माताएं बहने बहने भी आजकल बहने ज्यादा एक्टिव है, लड़कियां इसमें ज्यादा एक्टिव है, लड़कियों के मैसेज ज्यादा आ रहा है कि मेरा इंस्टाग्राम पे भी कुछ मैसेज आए थे मेरे को कि मेरा व्हाट्सएप टेम्प्रोरी बैन कर दिया गया है, बोले क्या किया था तो घंटा यूज किया था, मतलब जीबी व्हाट्सएप यूज किया था। तो यार मत करो ना, क्या मिलता है उसमें यार, प्लेन व्हाट्सएप यूज करो, थोड़ा सी थोड़ी सी अच्छी मतलब फीचर्स के लिए,
और वो आप जीबी यूज करते, आप देखो जीबी नुकसान क्या क्या है, इन सब जितने भी ये भदेड़े हैं कहाँ गया, ये जितने भी भदेड़े अभी मैंने नाम पढ़ के सुना है, इससे नुकसान क्या क्या है। पहली बात तो ये व्हाट्सएप के है नहीं, जिससे आप इनसे आप अपने डेटा शेयर करते हो, जैसे किसी व्हाट्सएप पे बात करते हो तो या फोटो भेजते ही हो, लड़कियां खासकर ध्यान दें, फोटो भेजती हैं आप लोग अगर फैमिली से चैटिंग करती हैं, फैमिली फोटोज हैं किसी को भेजती हैं, तो लीक होने के चांसेस, आप चाहती हो कि आप अपना फोटो लीक कराओ या फिर आपके फैमिली के फोटोज लीक हों, पब्लिक हों, बाद में पता चलता है कि आ मेरी फोटो लीक हो गई, तो ये इससे बचो, आपकी फोटो लीक हो सकती है। प्राइवेट कॉल्स जो आप मतलब प्राइवेट कॉल आई मीन वीडियो कॉल जो चैट करते हो आप लोग किसी से भी करो, वो थर्ड पार्टी देखता है। व्हाट्सएप अपने वेबसाइट की गारंटी लेता है कि मेरा जो आपके पास मेरे से मैसेजिंग करते हो, दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप है, मेरे से जो बात करते हो मेरे थ्रू करते हो, उसकी गारंटी मैं सिक्योरिटी की गारंटी 100% देता हूँ। बट ये सब क्या देते हैं? नहीं देते हैं। आपको थोड़ी देर मजा आता है कि यार बहुत अच्छा लग रहा है यूज करने में, तो आप इसे यूज करते हो, बट इसमें आपका डेटा चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, आपके फोन में उल्टे सीधे वायरस भर दिए जाते हैं, जिससे आपका पूरे इंपॉर्टेंट डेटा करप्ट हो जाता है। कुछ फाइल होता है ना कि यार ये तो फाइल खुल रहा था, मेरे पास खुल ही नहीं रहा, इंपॉर्टेंट डेटा करप्ट हो जाता है, आपके फोन के सारे डिटेल मतलब उसके पास होता है। अगर आप नेट बैंकिंग ये सब भी यूज करते हो तो उसके भी चांसेस रहते हैं कि आपका बैंक खाली हो जाए, नेट बैंकिंग ये सब यूज करते हो, तो ये बचो इन सबसे, मतलब बहुत सारे उल्टे सीधे वायरस भर दिए जाते हैं आपके फोन में, जीबी है, टीबी है, घंटा है, अभी इतने नाम बताए याद भी नहीं रहता यार, कितने नाम तो मैंने अभी सुना, मतलब मैंने इस पर रिसर्च करा तो पता चला अच्छा ये भी है, व्हाट्सएप ब्लैक गोल्ड, पता चला डायमंड बनाने कुछ दिन बाद। यार मत करो, ये सेफ नहीं है, ये क्या आपको गारंटी देते हैं कि आपके डेटा अच्छा, ये आप सिंपली इसको यूज करो और परमिशन को अलाउ ना करो, इसके जो परमिशन मांगता है ना अलाउ करो, क्या ये देखना आपके फोन में चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसे ऐसे परमिशन आपसे मांगता है जिससे इसका कोई कनेक्शन ही नहीं, व्हाट्सएप से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, फिर भी वो परमिशन आपसे मांगता है, ठीक ना? तो इन सब चीजों से आप ना बचिए, सॉरी दूर रहिए। क्या मिलता है? सिंपली व्हाट्सएप यूज करिए, प्लेन व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप आपको प्ले स्टोर में मिलता है उसी से यूज करिए। नहीं है व्हाट्सएप, अगर आप दो व्हाट्सएप यूज करना चाहते हैं एक फोन में, तो व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप बिजनेस यूज करिए। मैं खुद दो व्हाट्सएप यूज करता हूँ, एक व्हाट्सएप का यूज करता हूँ, व्हाट्सएप बिजनेस में दोनों यूज करता हूँ दो व्हाट्सएप के लिए। अगर आपको भी दो व्हाट्सएप यूज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप बिजनेस का यूज करिए, ना कि ये उल्टे सीधे एप्लीकेशन अपने फोन में भर लीजिए। जब तक ये भर के रखिएगा तब तक आपका फोन का जो व्हाट्सएप है ओरिजिनल व्हाट्सएप बैन होता रहेगा, बार बार करते रहिएगा, बार बार होता रहेगा। चाहे आप एक फोन में आप बोलते हो कि मैं दूसरे नंबर से यूज कर रहा हूँ, फिर भी मेरा वो वाला बैन हो गया, मैंने पूछा एक ही फोन में यूज किया, बोला हाँ एक ही फोन में, भाई मेरे फोन का जो EMI नंबर होता है तो एक ही होता है ना, तो यार मतलब अब सिंपली मैंने बहुत इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि एक वीडियो बनाई थी, आप देख लेना जाके, कि बैन कैसे करें, अनबैन कैसे करें, सॉरी अनबैन कैसे करें अगर आपका बैन हो गया, तो वीडियो देख लीजिएगा, मैंने उसमें अच्छे से बताया है कि अनबैन कैसे करें। और इस वीडियो में मेरा ये मकसद नहीं था कि बताना कि कैसे अनबैन करें, बस बताना था यार इन सब चीजों से आप दूर रहिए, इससे आपके डेटा सेफ नहीं है भाई। अगर फिर भी आपको अच्छा लगता है तो आपकी लाइफ है, आप अपने हिसाब से जी सकते हैं, बट मेरी अगर राय मानना चाहते हैं तो इन सबसे दूर रहिए। बस यही मैसेज देना था आप लोग को, बताना था कि इन सबसे दूर रहिए। छोटी सी वीडियो थी, एक मैसेज था, चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, अगर कुछ बताना चाहते हैं हमको वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, इसको शेयर जरूर करिएगा, लोगों को जागरूक करिए, बताइए कि ये सबसे दूर रहे, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ, घर में जिसके साथ भी शेयर करना चाहें शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए शुभ रात्रि, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने व्हाट्सएप का ध्यान रखिए।